कर रहे हैं, डरा रहे हो मेरे को? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। और आज सुबह उठते ही भाई मैं एडिटिंग कर रहा था तो पता चला लैपटॉप का एक बटन खराब हो गया है, तो आज सबसे पहले उसको ठीक करा के आते हैं क्योंकि उसके बिना तो एडिटिंग नहीं हो पाएगी, फिर व्लॉग टाइम से नहीं आ पाएगा। तो अभी चलते हैं इस हाथ। गाइस ये देखो भाई, उठते ये देखो क्या देखने को मिल रहा है। ओले गिर रहे हैं भाई, अभी उठा के दिखाता हूँ उनको। फुल ठंडा मौसम हो रहा है, कितना खतरनाक मौसम हो रहा है भाई। इसके ऊपर से कैसे आवाजें आ रही है, खतरनाक आवाजें आ रही है इसके ऊपर से। तो कहाँ जाना है? नहीं बारिश में नहीं जाना, नहीं तो गीले हो जाओगे। नहीं बारिश में नहीं जाना बेटा, ठंड हो जाएगी, ठंड आपको। ये देखो गुस्सा होकर भाग गया, कह रहा मैंने बारिश में जाना है। भाई ये देखो स्कूल ड्रेस में नहा रहे हैं। भाई स्कूल ड्रेस गीली हो जाएगी तुम्हारी, कल क्या डालोगे? विजय ये देखो ओले गिर रहे हैं, ओले मोटे मोटे। ये देखो बर्फ बर्फ, ये देखो बर्फ, ठंडा होता है। भाई ये देखो कितने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं भाई, देखो कितने सारे। फुल ठंड पड़ेगी, फुल सर में लग रहे हैं, आ रहा है मजा। ये देखो रिजा ओले ले रहे हैं, ठंड लग जाएगी रिजा आपको भी। ठंडे है रिजा, फेंक दिए ठंड लग गई। बारिश तो आ गई, ठंड लगती है। ओले भी आ रहे हैं ना साथ साथ, सर पे लगेंगे रिदे ओले, सर पे सर पे लगते हैं। तो गाइस आज मम्मी जी काट रहे हैं साग, क्योंकि आज बनने वाली है साग की सब्जी। साग की सब्जी और मक्की की रोटी। नहीं मक्की की रोटी खाएगा और क्या, साग की सब्जी और मक्की की रोटी। रोटी और वो बनाऊंगी, बथुए का रहता। बथुए का रहता, बुथों का नहीं, बथुए का रहता। ये बथुआ कर रहे हैं, डरा रहे हो मेरे को? क्या बन गई है? सारा तन्नी पे भी पाउडर फेंक दिया, अपने ऊपर लगा दिया था मैं भूत हूँ। क्या हो रही था, क्या करोगे फिर? मैं भूत को भी डराऊंगा। आ जाएगा मेरे को, क्या कह रहे हो? कहता भूत को डराऊंगा। भाई ये देखना क्या बन के घूम रहा है। तो गाइस यहाँ तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो पता नहीं सार कब जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे। देखो कितनी बारिश आ रही है। तो अभी एक घंटे के बाद ना ऑलमोस्ट बारिश रुकी है, तो अभी जा रहे हैं सार। रिजय भी जा रहे, देखो दीदी चल रहे हो सार, क्या करेंगे वहाँ? हरिदय का तो बस एक ही चीज पता, झूले खाएंगे। अभी सार जाने से पहले हम लोग रुके हरिदय के लिए शूज लेने। ये बड़े होते ना, ये बड़े होते हैं शूज। हाँ। छोटे शूज है ही नहीं इनके पास। देखो तो है, जो कि मस्त मस्त लग रहे हैं ना हरिदय। हाँ। अभी दिलाएंगे हरिदय को। क्या कह रही थी, छोटा शूज आ गया, छोटा शूज ये देखो। तो हरिदय देखो भैया से बातें कर रहे हैं, कह रहे ये डाल दो ये डाल दो। ये वाली नहीं, ये वाली तो गर्ल्स की है हरिदय, तन्नू के लिए है। तो गाइस यहाँ पर हरिदय के लिए ले लिया, देखो हमने ले लिया गर्मियों के लिए सैंडल भी, और यहाँ पर ले लिया हरिदय के लिए ये वाले शूज। ये बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है, ये मस्त लग रहे हैं जूते मेरे को तो। गाइस अभी जूते ही लिए थे, और ये देखो कितनी तेज बारिश आने लग गई। हरिदय बारिश हो गई, अब क्या करें? दूर से बारिश तो गीले तो हो जाएंगे ना हम फिर। तो गाइस हरिदय को ना सामने झूला दिख रहा है, ये देखो ये वाला ना, तो इसको इस झूले पे जाना है, इसलिए बार बार कह रहा है। लेकिन कैसे जाएंगे, बारिश आ रही है फुल तेज, कैसे? ये देखो मेरे को कह रहा चलो ना, मैं नहीं जा रहा, आप जाओ। नहीं, नहीं मैं नहीं जा रहा, बारिश आ रही है रिदा, इधर बारिश आ रही है, गीले हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे नन्नू, नन्नू गीले हो जाएंगे। आप जाओ ना, आपको पता चलेगा बारिश आ रही है। वो देखो सर पे भी आ रही है, अंदर जा रहा हूँ मैं तो, ठंड लग गई मुझे तो ठंड लग गई। मौसम देखो कितना ज्यादा खराब हो गया है, तो भाई इस हार जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा बारिश आ गई। देखो तो हम तो यहीं से वापस जा रहे हैं, बस ये जूते ले लिए रिदा के। क्या पिया आपने अभी अभी? अब ग्लास साइड में रख दो, वहाँ साइड में रख दो, वहाँ पे वहाँ साइड में जगह है ना देखो गाड़ी के, वहाँ रख दो, बाहर नहीं फेंकते ना। गुड बॉय गुड बॉय। हाँ पाइप भी रख दो वहीं साइड में, तो गंदा है, गंदा साइड में रख दो फिर। मम्मी हिसार तुम जा नहीं पाए, बारिश बहुत तेज थी, बार बहुत तेज। हाँ तो हम रिदा के लिए शूज और वो ले आए सैंडल, देखो चार ले आए, चार एक साथ। अरे मस्त मस्त मिल रहे थे और सस्ते भी है। अरे नहीं होते, कैसा लग रहा है वाला? है तो सही, सुंदर है ना, दिल्ली यही फूल महंगे देते हैं। दिल्ली आप जाते भी ऐसी दुकानों पे, वो जो शोरूम में जाते हो। ये देखो अरे चप्पल भी लाया नोनी, खोल के देखो ओए नोनी चप्पल, सैंडल सैंडल। हाँ खोल के देख लो, मेरी बारी, और गाइस मेरे को जिम छोड़े ना, अभी ऑलमोस्ट देखो एक महीना होने वाला है, और देखो अभी तक कैसी हो रही है बॉडी, क्योंकि भाई मेन चीज होती है डाइट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबके लिए ना बहुत जल्दी डाइट प्लान लेके आऊंगा, तो हर कोई जो कि अफोर्ड कर सके। और यहाँ पर मैंने मंगाई अभी रिंग लाइट, क्योंकि यार हमारी पुराने वाली रिंग लाइट ना खराब हो गई थी, तो अभी इसको खोल के चेक करते हैं कैसी आई है। तो गाइस इसमें से दो बैग निकले हैं, और ये रिंग लाइट पता किसके लिए मंगाई है? मम्मी के लिए, मम्मी रील्स बनाएंगे अब इस पे, है ना मम्मी? सब देखना कैसे बनाती हूँ।
तो गाइस अभी मम्मी जी की रील बनाने से पहले चलते हैं अपने लिए ब्लेजर लेने, क्योंकि मैंने बहुत दिन से दे रखा है सिलवाने के लिए, तो अभी देख के आते हैं कैसा बना है। तो गाइस एक तो मैंने सिलवाया है ये थोड़ा पार्टी वियर, बैंड वाला लग रहा हूँ थोड़ा, है ना, कमेंट करके सही से बताना बैंड वाला लग रहा हूँ। ये थोड़ा पार्टी वियर सिलवाया और बाकी सिलवाया कुछ प्लेन्स, तो प्लेन्स अभी एक दो दिन में आ जाएंगे, तो प्लेन्स के लिए फिर दोबारा आ जाएंगे, लेकिन ये बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। तो गाइस आज फिर से बनी है घर में गाजर की खीर, और यहाँ पर मम्मी जी छील रहे हैं हृदय के लिए अनार। क्या खाओगे? अनार। खाते हो आप? हाँ। जूस पियोगे अनार का? नहीं, मैं अनार खाऊंगा। अच्छा, आप अनार खाओगे? और कहते मम्मी अनार छील दो, मैंने अनार खाना है। कह रहे हैं मोनू, कहते आप जल्दी नहीं कर रहे, लेट कर रहे हो, अपने आप उठा के छीलने लग गया। देखियो हृदय, इधर दिखाना कैसे छील रहे हो। ओ वाओ, हृदय को अनार भी छील रहा है। तो गाइस माधव को ना इसके एग्जाम्स के बाद हम दिल्ली ले जाएंगे। मार्च में खत्म हो जाएगा ना तेरे? हाँ, मार्च में। उसके बाद रहेगा दिल्ली? हाँ। पक्का रह जाएगा? हाँ, पक्का। पिछली बार इसको लेके गए थे मम्मी, कैसे ऐसे करेंगे ना, जैसे पेपर देगा ना, तो दो तीन दिन इसको अकेला रखेंगे। वैसे तो ये बच्चे जाएंगे जयपी और ही, अगर ये रह गया तो ठीक है, ना रह तो फिर वापिस आ जाएगा। और क्या, क्योंकि गाइस पिछली बार मैं इसको लेके गया था ना, तो वहाँ पे भाई रोने लग गया था। एक दिन बाद कह रहा मेरे को बुखार हो गया था। हाँ, कह रहा मेरे को बुखार हो गया, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, तो हम इसको वापस कर। टाइफाइड हो गया था। हाँ। जितेश क्या कह रहा है? अभी डेंगू बुखार हो गया था बाद में, तो फिर जितेश तो कह रहा है कलेश ही खत्म। तू भी चल, अलग होके राजी है। बस जाऊंगा मैं तो, वैसे बोलने जो बीमार होके आ जाएगा, देखियो क्या इस बार नहीं होगा। तो गाइस अभी एडिटिंग करने में ना मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम इस हार तो जा नहीं पाए थे, और इसका ये वाला बटन है ना, ये पूरा का पूरा खराब हो चुका है। पता नहीं इसके अंदर पानी चला गया है कि क्या कुछ फंस गया इसके अंदर, तो मैं बहुत देर से इसको ट्राई कर रहा हूँ कि ये ठीक हो जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो अभी मैं किसी तरह जुगाड़ करके एडिटिंग कर रहा हूँ। तो मेरे को एक चिंता और भी है, कहीं मैं इसको केयर में दूँ ठीक कराने के लिए, और इसमें 8-10 दिन मांग ले वो, तो फिर तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी एडिटिंग में। भाई ये देखो उठा के ले आए हैं, बेटे मारेंगे पेट्रोल पंप वाले अंकल। देखियो गाइस मैंने तो डीजल डलवा लिया इसमें, अब माधव जा रहा है, मेरे को लग रहा है पक्का पिटेगा। भाई तेरे को क्या लग रहा है? पहले भी नहीं बोला था किया था प्रैंक। नहीं ये वाले तो नहीं थे, दूसरे वाले भैया थे, लेकिन इनको भी पता होगा यार क्या डलवा रहा है। पेट्रोल इसमें ये पेट्रोल लाडो नहीं चल रहा ये ढक्कन ही नहीं है। तो डलेगा कहाँ पे? अबे यार ढक्कन के बिना थोड़ी डलेगा। भैया सब मजाक कर रहे, देखो यार ये क्या डालना था इसमें? अरे इसमें डीजल का लुआ लिया, पेट्रोल का लुआ लिया, स्कूटर में का लुआ था। भैया कह रहे इसमें डीजल डलवाना था। फुल्ली हुई। तो भाई माधव गया था भैया पे प्रैंक करने, भैया ने ही प्रैंक कर दिया, भैया कह रहे कहाँ डालू पेट्रोल। तो गाइस अभी आ गया घर पे, और जैसे तैसे करके ना मैंने अपना ब्लॉग तो एडिट कर लिया है, और कल बच्चों को लेके जाएंगे घुमाने, क्योंकि कल संडे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से।